Today I am going to studying tense. Students, अभी हम tense के बारे में आज विस्तार से समझेंगे. Completely total तीन tense हैं, तीनों के चार चार जो kinds हैं, total आपको बताया जाएगा. और यदि आपको आज तक टेंस नहीं समझ में आया है तो इसकी गारंटी है इस वीडियो को आप ध्यान से देखें, कम्प्लीटली पूरी तरह से देख लिए तो टेंस आप भूल नहीं पाएंगे. इस तरह से स्ट्रक्चर बताया जाएगा आपको इजी वे में. सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन. हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग इंग्लिश ग्रामर में टेंस पढ़ रहे हैं. तो स्टूडेंट्स, टेंस में हम लोग इसके पहले वीडियो में प्रेजेंट टेंस का फर्स्ट पढ़े थे, प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस. आज हम लोगों को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ना है. ओके, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या है, कैसे हम वाक्यों को पहचानेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, और इसको बनाने का रूल क्या है, नियम क्या है. ठीक है, इसके स्ट्रक्चर क्या है पांचों का, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव इंट्रोगेटिव और क्वेश्चन वर्ड. ना, पांचों तरह के सेंटेंस हम देखते हैं हम लोग. और आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, एडुफेस चैनल मेरा अपना, और वीडियो को लाइक करेंगे. ठीक है, ओके. देखिए तो टेंस स्टार्टिंग हम लोग का है. टेंस, टेंस में फर्स्ट अभी हम लोग चल रहा है प्रेजेंट टेंस. प्रेजेंट टेंस का आज दूसरा है ना भेद है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को कैसे पहचानेंगे, इसका आइडेंटिफिकेशन है, मैंने पहचान कि इसके हिंदी वाक्य, जो हिंदी में सेंटेंस होते हैं, वाक्य होते हैं, उसके लास्ट में, अंत में रहा है, रही है, रहा हूं, रहे हो, रहे हैं आदि लगा रहता है. जैसे मैं पढ़ रहा हूं, वह घर जा रहा है ना, तुम खाना खा रहे हो, घोड़े दौड़ रहे हैं इत्यादि. इस टाइप का जैसे भी लिख लीजिए, जैसे मैं पढ़ रहा हूं, ठीक है, मैं पढ़ रहा हूं, ये आपका एग्जांपल हुआ. इसमें रहा है, रही है, रहे हैं के अलावे है ना, ये लास्ट में है होता है और रहा रहता है. आईएनजी फॉर्म इसमें यूज होता है वर्ब का, है ना, वी फोर वर्ब का फोर फॉर्म. और एक चीज ध्यान रखेंगे कि प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस में जो आप एस वन और एस टू आपको बताया गया है, मैंने सब्जेक्ट के दो प्रकार है, यहां पर तीन हो जा रहे हैं. जो एस वन है उसी में का आई जो है वो अलग हो जाएगा इसमें. तो सब्जेक्ट इसमें नोट रखेंगे कि इसमें आई के साथ एम यूज करेंगे, एम एक्सिलरी वर्ब है ना, एम. और इसके बाद वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउंस, इसके साथ आर, ए आर ई आर, तथा ही, सी, इट और सिंगुलर नाउंस के साथ इज का प्रयोग किया जाता है. ठीक है, इसको हमेशा याद रखेंगे, इज के साथ है ना, ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ इज, आई के साथ एम, और वी, यू, दे और प्लूरल नाउन जो भी रहेंगे उसके साथ आर का प्रयोग करेंगे. तो स्टूडेंट चलते हैं अब हम लोग फर्स्ट इसका देखते हैं, अफर्मेटिव, ए डबल एफ. ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस, ए डबल एफ ई आर एम ए टी आई वी, अफर्मेटिव. इसमें सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट है ना. वी फोर मतलब होता है वर्ब प्लस आई एन जी ना, वी फोर का मतलब वर्ब प्लस आई एन जी, जैसे रीड है तो रीडिंग. एग्जाम्पल, मैं पत्र लिख रहा हूं, क्या होगा, आई के साथ आई एम लिखेंगे, आई एम राइट है तो राइटिंग ए लेटर,
आई एम राइटिंग ए लेटर, ठीक है। इस तरह से वो घर जा रहा है तो ही इज गोइंग टू होम ना, तुम खाना खा रहे हो, यू आर ईटिंग फूड, तो जो भी सब्जेक्ट है उसके बाद आप इसका यूज करेंगे। फिर निगेटिव आएगा आपका दूसरा, निगेटिव स्टूडेंट्स, निगेटिव में बस ई जा रहे हैं के बाद आपको नॉट लगा देना है, ज्यादा चेंजिंग नहीं है। सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस नॉट प्लस बिफोर और प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। एग्जांपल इसका, वह घर नहीं जा रहा है, वह घर नहीं जा रहा है, क्या हो जाएगा, ही इज नॉट गोइंग टू, ठीक है, ही इज नॉट गोइंग टू। तो स्टूडेंट्स आपने देख लिया, यहां अभी हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव और निगेटिव दो पढ़े हैं, अभी दोनों का आप नोट कर लीजिए, और नोट करने के बाद फिर अगला इंट्रोगेटिव, निगेटिव इंट्रोगेटिव और क्वेश्चन वर्ड हम लोगों को पढ़ना है, ओके, इसको नोट कर लीजिए अभी। हाँ तो स्टूडेंट्स आगे हम लोग इंट्रोगेटिव अब ना, इंट्रोगेटिव जो क्वेश्चन होता है, प्रश्न होता है, तो इंट्रोगेटिव का सबसे पहले आप एक्जिलरी वर्ब इसमें लिखते हैं ना, इज आर एम प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा प्लस बिफोर और प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इज आर एम एक्जिलरी वर्ब सबसे पहले हो जाएगा ना इंट्रोगेटिव में। एग्जांपल इसका, क्या तुम, क्या तुम घर जा रहे हो, इसमें ध्यान रखेंगे लास्ट में क्वेश्चन वर्ड होता है, क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन वर्ड नहीं, क्वेश्चन मार्क, क्या तुम घर जा रहे हो, तो तुम है ना, यहां देखिए तुम है, यू होता है, यू के साथ आर यूज होता है, तो पहले आप आर लिखेंगे, आर यू गोइंग टू होम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, आर यू गोइंग टू होम और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इसके बाद है आपका निगेटिव, निगेटिव इंट्रोगेटिव, निगेटिव इंट्रोगेटिव में इज आर आई एम प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बिफोर और प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, ये इसमें निगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों होगा, प्रश्न भी होगा और निगेटिव नहीं भी होगा। एग्जाम्पल, क्या लड़के गेंद नहीं खेल रहे हैं, क्या लड़के गेंद नहीं खेल रहे हैं, इस तरह के सेंटेंस, क्या लड़के गेंद नहीं खेल रहे हैं, इंट्रोगेटिव भी है और नहीं है के निगेटिव भी है, इसमें हो जाएगा आर, चूंकि बॉयज है प्लुरल है, लड़के बहुत सारे लड़के प्लुरल है, तो आर, आर बॉयज नॉट प्लेइंग पी एल ए वाई आई एन प्लेइंग बॉल, आर बॉयज नॉट प्लेइंग बॉल, क्लियर। अगला है आपका क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड स्टूडेंट्स आपको बताया गया था प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही कि इंट्रोगेटिव दो तरह के हैं, एक वो होते हैं जिसका ऑब्जेक्टिव आंसर होता है, यस या नो में आंसर देते हैं, और एक होता है यस नो में आंसर नहीं होता, उसका सब्जेक्टिव होता है। उसमें क्या होता है इंट्रोगेटिव में, क्वेश्चन वर्ड जो क्या क्यों कहां कब ये बीच में चला जाता है सेंटेंस के, उसी को क्वेश्चन वर्ड कहा जाता है। जैसे क्या तुम घर जा रहे हो, तो इसका आंसर आप यस या नो दे सकते हैं, लेकिन अगर यही क्वेश्चन हो कि तुम कहां जा रहे हो,
तब आप आंसर नहीं दे पाएंगे यस या नो में, फिर आपको सब्जेक्टिव बताना होगा। तो देखिए इसमें पहले क्वेश्चन वर्ड होगा, क्वेश्चन वर्ड प्लस इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस बी फोर और प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल वह कहां जा रहा है, ठीक है, वह कहां जा रहा है। देखिए क्वेश्चन वर्ड आ गया बीच में, अब यस नो में तो आंसर नहीं होगा इसका, ये सब्जेक्टिव आंसर होगा, तो ये क्वेश्चन वर्ड कहलाएगा, क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस कहलाएगा। तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे कहां, कहां के इंग्लिश वेयर, डब्ल्यू एच ई आर वेयर, उसके बाद चूंकि सब्जेक्ट वह है तो इज लिखाएगा, वेयर इज ही गोइंग, वेयर इज ही गोइंग, ठीक है ना, एक सेंटेंस हम दे रहे हैं, व्हाट आर यू डूइंग, इसका हिंदी बताएंगे क्या होगा, व्हाट आर यू डूइंग मीन्स पहले यहां से लेंगे, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट हुआ, इसको आप नोट कर लेंगे और समझेंगे ध्यान से। इस तरह का और भी सेंटेंस, अब मैं क्वेश्चन नहीं दे रहा हूं, आपको होमवर्क नहीं देने जा रहा हूं, आप स्वयं अपना होमवर्क लीजिए और इसी टाइप के सेंटेंस को लिख करके आप प्रयास कीजिए बनाने का, रूल आपके सामने है, जहां दिक्कत हो फंसिए आप रूल देख लीजिए। वैसे वेरी सिंपल टेंस है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ओके। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, ओके। अगला वीडियो होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस।